हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं हम आईएएस या फिर यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसका सिलेबस क्या है प्रिलिमिनरी का। आज हम स्पेशली फोकस करने वाले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस पर। इसका रीजन है क्योंकि आपको बताया 10th of October को आपका प्रिलिम्स कंडक्ट होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी स्टूडेंट जो भी प्रिलिम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए, एटलीस्ट आप लोग एक बार सिलेबस जरूर रीड करिए, क्योंकि सिलेबस पढ़े बिना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। और कई बार क्या होता है, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ लिया, बहुत सारे सोर्सेज देख लिए, उसके बाद भी हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। उसका रीजन यही है कि आपने सिलेबस को अच्छे से स्टडी नहीं किया है। तो आज मैं आपको यही सिलेबस बताना चाहूंगी। तो जब आप स्टडी करें कभी भी अब यूपीएससी का, तो एटलीस्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारे क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, क्या है प्रीलिम्स का पैटर्न, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, बेसिकली एक बात तो ध्यान रखना है कि ये आपका केवल एक सीढ़ी है मेंस के एग्जाम में जाने के लिए। यानी प्रिलिम्स का जो आपका पेपर अगर आप पास करते हैं तो आप मेंस में जाएंगे, उस मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है ना, वो आपके मेंस की मेरिट में या फिर ओवरऑल जो आपकी मेरिट बनेगी मेंस प्लस इंटरव्यू, उसमें उसका कोई भी रोल नहीं होने वाला है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिलिम्स किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस क्योंकि वो केवल आपको एक तरह से क्वालिफाई करना है मेंस में जाने के लिए। वहां पर आपकी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन उस प्रिलिम ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। बस एग्जाम से 2-3 महीने ही पहले आप प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिए, बाकी आपकी पूरी स्ट्रेटेजी मेंस को फोकस करते हुए होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, एक जिसे आप बोलते हैं जीएस और दूसरा जिसे बोलते हैं आप सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 2 एग्जाम एक ही दिन में 2 शिफ्ट में कराए जाते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपका जीएस का पेपर होता है, सेकंड शिफ्ट में होता है आपका सीसेट या एप्टीट्यूड। देखिए यहां पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों पेपर जो है इक्वली इंपॉर्टेंस होते हुए भी दोनों का अलग अलग रोल है। कैसे? तो आपका ये जो प्रिलिमिनरी में जीएस का पेपर होने वाला है, इस प्रिलिमिनरी के जीएस के पेपर में जहां आपको एक कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ को क्लियर करना पड़ता है, वहीं एप्टीट्यूड का पेपर केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि एप्टीट्यूड में केवल आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं और पहले आपकी एप्टीट्यूड की कॉपी चेक की जाती है। अगर आपके यहाँ पे पासिंग मार्क्स है 33% से आप क्वालिफाई कर रहे हैं, देन आपके जीएस की कॉपी चेक की जाती है और इसके मार्क्स से बनती है मेरिट, इसके मार्क्स से बनता है आपका कट ऑफ। तो जीएस का इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल है और एप्टीट्यूड का भी रोल तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एप्टीट्यूड क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी जीएस की कॉपी नहीं चेक होगी। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, ये 2 पेपर होंगे आपके प्रिलिम्स में, जीएस भी और एप्टीट्यूड भी। एक एक करके हम दोनों का सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं जनरल स्टडीज की बात करूं, जीएस की बात करती हूं, तो जीएस में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, ठीक है। तो हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो आपको ध्यान रखना है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे। और इसके लिए जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होता है उसमें आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 मार्क। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग है, तो जब भी आपको ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन पर टिक करके आ जाना है, तो आपको नेगेटिव स्कोर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो भी आपकी ओएमआर शीट है उसको फिल करना है कि भाई इतने नेगेटिव ना हो जाए कि हमारे मार्क्स बहुत कम हो जाए और हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। और दूसरा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 घंटे का ही आपको टाइम मिलेगा और यूपीएससी का जो पेपर होता है वो काफी एक तरह से बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। तो इस 2 घंटे में ही ये टाइम मैनेज करते हुए आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। अब अगर हम इन 100 क्वेश्चंस की बात करते हैं जीएस के, जनरल स्टडीज के, तो इन 100 क्वेश्चंस का सिलेबस क्या है, मतलब कौन कौन से हमें सब्जेक्ट्स हैं, उनके कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है, पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये यूपीएससी ने सिलेबस दिया है और यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपका जीएस के पेपर में करंट इवेंट पूछे जाएंगे और ये सारे करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही होंगे, ठीक है। और अगर मैं करंट अफेयर के वेटेज की बात करूं
तो ऑलमोस्ट 25+ क्वेश्चंस जो है आपको करंट अफेयर्स से मिलते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, और काफी कुछ ऐसा पोर्शन है जैसे आप बात करें एनवायरनमेंट की, आप बात करें इकोनॉमिक्स की, तो ये भी करंट ओरिएंटेड ही पूछा जाता है। तो अगर आप इनको भी ऐड कर देंगे तो आपका 40+ चला जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका इतने क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स हर साल ही पूछ रहा है यूपीएससी, तो करंट अफेयर्स आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, ये सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, आपको ध्यान रखना है। दूसरे अगर हम टॉपिक पर आते हैं जीएस पेपर के लिए, तो यहाँ पर लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपको एक चीज तो ध्यान रखना है कि आपके प्रिलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में वर्ल्ड हिस्ट्री आपको प्रिपेयर करके नहीं जाना है, केवल आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आपको इंडियन हिस्ट्री का एंशियंट पार्ट यानी प्राचीन इतिहास का काल, मेडाइवल पार्ट मध्यकालीन भारत वाला पार्ट, और तीसरा जो हो जाता है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसे आप बोलते हैं, ये तीनों पोर्शन आपको कवर करने हैं, लेकिन ये इंडियन हिस्ट्री है। और जो आपका हिस्ट्री पढ़ते हुए सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपको पता है भाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कितना इंपॉर्टेंट रोल है उसका हमारे देश की आजादी में, तो ये जितने भी हमारे नेशनल मूवमेंट चले थे इनके बारे में काफी डेप्थ से आपको नॉलेज होनी चाहिए, किस किस का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, किस तरह से वो मूवमेंट चलाया गया था, उस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा, सक्सेस किस पोर्शन में हुआ या फिर फेलियर किस पोर्शन में हुआ, ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी क्योंकि फैक्ट के साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम पोर्शन की बात करते हैं हिस्ट्री के बाद, वो है आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो जैसे हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री ही पूछ रहा है, उसके ऑपोजिट ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछ रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्या मतलब है यहाँ पर, बेसिकली आप बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो भी आपका क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फॉरेस्ट का, मिनरल्स का, रिवर्स हो गए, प्लेट्यूज हो गई, तो ये आपको पूरे वर्ल्ड का पता होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर इन चीजों के बारे में, या जो भी आपके नेचुरल डिजास्टर हो गए, वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो गई, या फिर हम बात करते हैं आपका सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पर कहाँ है, क्या कहाँ कहाँ पे इसका ओरिजिन हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आपको किन पर्टिकुलर चीजों पर फोकस करना है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, यही पर्वत पहाड़ मैदान, ठीक है, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि जब भी आप ज्योग्राफी स्टडी करेंगे तो आपका इन तीनों टॉपिक पर फोकस होना चाहिए किसी भी ज्योग्राफी के पोर्शन को पढ़ते हुए, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम एक ही पोर्शन पढ़ लेते हैं, काफी बच्चों को मैंने ऐसे देखा है, काफी स्टूडेंट्स को केवल फिजिकल ज्योग्राफी उनका अच्छे से प्रिपेयर होता है, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे वो फोकस भी नहीं करते, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर हमें लगता है कि भाई कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो यहां पर ये दो चीजें भी मेंशन है, इनको आपको फोकस करना पड़ेगा। प्लस जब आप इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी मैंने आपको बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इनमें से कोई भी चीजों को स्टडी करते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं ये आप मैपिंग के बिना नहीं कर सकते, तो आपका मैपिंग अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो आप लोग एक ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लेंगे और उससे आप इंडिया की मैपिंग यानी कि इंडियन मैपिंग और साथ साथ में वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसमें आप चाहे तो हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, हमारा एक चैनल है यूपीएससी अड्डा 24/7, वहां पर आपको मैंने मैपिंग के काफी एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पे काफी टॉपिक्स कवर किए मैपिंग के, आप वहां से इस मैपिंग के पोर्शन को अपने कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आप एटलस रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज चल रहा है या जब भी आप ज्योग्राफी को स्टडी करें बिना एटलस बिल्कुल मत, मेंस में इंडियन या वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ और आने वाला है, यही आपका मेंस का भी ऑलमोस्ट सिलेबस होता है, थोड़ा सा वहां पर अप्रोच चेंज हो जाता है हमारे पढ़ने का, हमारे प्रिपरेशन का, लेकिन टॉपिक सारे वही रहते हैं, ठीक है। तो जब आप मेंस में आप आंसर राइटिंग करेंगे, उस आंसर राइटिंग में भी मैपिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी का कोई आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, और आपने कोई फिजिकल फीचर बनाकर दिखा दिया, कोई मैपिंग पे लोकेशन दिखा दिया, जस्ट पेंसिल से ड्रॉ कर दिया, बहुत आपको उसमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए, लेकिन उतने से ही आपका जो आंसर राइटिंग है वो उसका प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे आपको एक एक दो दो नंबर भी अगर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस मैपिंग को इंक्लूड करने की वजह से, इस डायग्राम को इंक्लूड करने की वजह से, तो आप काफी अच्छा स्कोर कर जाएंगे मेंस के एग्जाम में। तो थोड़ा सा इस तरह का आपको अप्रोच रखना है जब आप ज्योग्राफी की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की, तो देखिए ये टॉपिक मैं खुद भी पढ़ाती हूं, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। तो देखिए जब आप प्रिलिम्स का स्टडी करेंगे
केवल इस पर फोकस करते हैं बच्चे, इंडियन पॉलिटी पे, गवर्नेंस को छोड़ देते हैं। और मैं आपको बता दूं, गवर्नेंस भी प्रीलिम्स का टॉपिक है, अगर आप इसे छोड़ते हैं तो एग्जाम में आपके यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आएगा गवर्नेंस से, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको अच्छे से स्टडी करना है सिलेबस को। यहाँ लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी प्लस गवर्नेंस किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर में पर्टिकुलर क्या क्या चीजें कवर करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश का संविधान है वो तो आपको पूरा पढ़ना ही है सॉरी इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम को आपको अच्छे से पढ़ना है। पंचायती राज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है, तो पंचायती राज आपको प्रिपेयर करना है। पब्लिक पॉलिसीज जो भी लाए जाते हैं या फिर राइट्स हो गए, राइट रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, इन सारे टॉपिक पर आपको फोकस करना है। तो जब आप स्टडी करते हैं आप क्या करा करिए, हमेशा कभी भी पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जब भी आप इन्हें स्टडी करते हैं आपको एक एक सिलेबस के टॉपिक को उठा के डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? चलिए भाई आगे आ जाते हैं हम पॉलिटी के बाद। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स का कवर होगा, तो इसमें हमें पर्टिकुलर किन किन टॉपिक पर फोकस करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इंक्लूजन हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गया, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ठीक है? तो ये तो टॉपिक हो गए इसके। तो जब आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करेंगे इकोनॉमिक्स का तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा, प्लस आप लोग एक बार डिटेल सिलेबस भी देख लीजिएगा। डिटेल सिलेबस में और ज्यादा डिटेल से इंफॉर्मेशन दी गई है, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक वहां पर इंक्लूड किए गए हैं। तो जिस भी आप सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, चाहे आपका किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल हो गया या फिर बात करें हम कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो गई, तो आप कभी भी स्टडी करते हुए रैंडम पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ने मत लगिएगा। हमेशा आपका यही अप्रोच होना चाहिए कि जब भी हम स्टडी करते हुए हम सिलेबस को अपने सामने रखें और उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उस बुक से या उस पर्टिकुलर सोर्सेस से हम उन टॉपिक्स को कवर करें। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है सिलेबस में जो आपके उस बुक में नहीं मेंशन है, उस कोचिंग के मटेरियल में नहीं मेंशन है, तो आप जाइए आप गूगल करिए और उससे रिलेटेड पूरे टॉपिक का अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्योंकि अगर आप एक भी टॉपिक मिस कर रहे हैं सिलेबस का तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट है आपका जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए पहले जो है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में ही इंक्लूड हो जाता था, साइंस में ज्योग्राफी में कुछ पोर्शन आ जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि एनवायरनमेंट इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आपको पता है भाई क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, चाहे नेशनल लेवल पर चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसको एक अलग सब्जेक्ट का जगह दे दिया है। तो कभी भी आप लोग एनवायरनमेंट को स्किप मत करें। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली कोर सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को मानते है और आप एनवायरनमेंट को स्किप करते हैं। तो एनवायरनमेंट से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहा है यूपीएससी स्पेसिफिक। अगर मैं इसके पोर्शन की बात करूं तो क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, और यहाँ पे ये एक टॉपिक दे दिया है केवल क्लाइमेट चेंज बायोडायवर्सिटी, लेकिन अगर आप इसको डिटेल से देखेंगे, इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे, तो इसके अंदर में बहुत सारे आपके सब टॉपिक्स मेंशन किए गए। तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और एनवायरनमेंट पढ़ते हुए आपको थोड़ा सा, देखो वैसे तो अभी कोविड की वजह से एक डेढ़ साल से बहुत कुछ सबमिट वगैरह नहीं हुए हैं, जो भी हुआ है वो वर्चुअल सबमिट ही है, तो आपको इतना ज्यादा कुछ करंट अफेयर मिलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आप करंट से इसको अपडेट कर लेंगे। कोई पर्टिकुलर डे है अगर उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो उसकी थीम क्या है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ थीम वगैरह, या वो किस पर्टिकुलर कंट्री ने उसका उसका उसको प्रिसाइड किया था, कौन उसका अध्यक्ष बना था, या फिर नेक्स्ट ईयर वो कहाँ पर सबमिट किया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इंडिया में आने वाले समय में ऐसा कोई सबमिट किया जाना है, तो एनवायरमेंट करते हुए आपको ये थोड़ा सा फैक्चुअल पोर्शन करंट से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है? लास्ट हमारा देखेंगे जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस जो टॉपिक है, ये जनरल साइंस, साइंस टेक सब इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो बेसिकली इसमें आपको मतलब कोई अलग से बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाएगा, टेक्नोलॉजी भी इसी में इंक्लूड है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले बायो प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि बायोलॉजी जो है हर एक एग्जाम जो भी सिविल सर्विसेज के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे सेंट्रल लेवल पर चाहे स्टेट लेवल पर, उसमें बायोलॉजी जो है वो फेवरेट टॉपिक होता है इन एग्जाम्स का। तो आप बायो से अच्छे खासी प्रिपरेशन करिए, इसको पहले आप प्रिपेयर करिए, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, ठीक है? और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा सोर्सेज उठाने की जरूरत नहीं है। 6 से लेकर 10th तक की आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है? ये आपके लिए इनफ हो जाएगा। इसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिएगा, प्लस टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप
कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, जहां से टेक्नोलॉजी का आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ऐसा नया ऐड नहीं होता है, तो आपका एक बार बेसिक कवर हो गया तो ऑलमोस्ट मानकर चलिए मतलब 2-4 दिन ही लगेगा आपको वो कोचिंग मटेरियल पढ़ने में, बहुत पतले से नोट्स मिलते हैं, उसके बाद से आपका ये जनरल साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो रही हमारे पेपर वन की बात, और पेपर वन का मैंने आपको पूरा यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस कर दिया कि क्या क्या आने वाला है, कहाँ कहाँ से टॉपिक से किन किन टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो दूसरा पेपर है जिसको मैंने बताया आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका नाम है सीसेट, या फिर उसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बेसिकली ये जीएस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे होगा जब आप सिलेबस डिस्कस करेंगे हम अभी, तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस में 100 क्वेश्चन थे, यहां पर 80 क्वेश्चन, यहां पे यानी कि यहां पर जो ईच क्वेश्चन है वो 1 मार्क से ज्यादा का होगा। ओके, और मार्क्स उतने ही है, 200 मार्क्स के 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर भी सेम नेगेटिव मार्किंग है, तो जब भी आप एप्टीट्यूड का पेपर देंगे अगर कोई ऐसा है जो ह्यूमैनिटी से बिलोंग करते हैं, जो भी बच्चे ऐसे उस सब्जेक्ट से, फॉर एग्जाम्पल आपका आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है और आपका बहुत ज्यादा कमांड नहीं है जैसे होता है रीजनिंग वगैरह या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन करते हुए नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से कोई आपका कट ऑफ बनना नहीं है। तो आपको 80 में से 80 क्वेश्चन नहीं करके आना है, आप ऑलमोस्ट 40 का टारगेट रखिए कि 40 प्लस हमारे ठीक हो जाए। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने ज्यादा कर दिया नेगेटिव हो गया अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं होता है, तो जीएस आप कितना भी अच्छा करके आ जाए कोई उसकी वैल्यू नहीं रोगी। तो इसमें थोड़ी सी आपको स्मार्टनेस दिखानी है। टाइम इसका भी सेम होता है, 2 आवर्स का होता है, जो काफी सफिशियंट होता है, क्योंकि मैंने जो भी एग्जाम दिए पर्सनल एक्सपीरियंस है 2 घंटे में भी नहीं आपको लगता है टाइम, मुश्किल से 1.5-1.5 घंटे में आप पेपर करके बैठ जाते हैं, तो इसके लिए टाइम सफिशियंट होता है। जीएस के लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी अगर हम एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करते हैं तो बेसिकली यही इसका सिलेबस है। कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट जो है वो बेसिकली हिंदी का पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपने बचपन में पढ़े होंगे गद्य पद्य टाइप का, तो आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दे दिया जाता है और उससे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट जो है इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल विद कम्युनिकेशन स्किल, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी डिफिकल्ट होते हैं। अगर आपको इसके बारे में 0 इन्फॉर्मेशन है तो आप इसका एक भी क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप कर रहे हैं, इसके मार्क्स तो जुड़ने नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव मार्क्स में जरूर ये रोल प्ले कर देगा। तो इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी से पूछता है, और ये आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये बेसिकली जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है ये काफी इजी आता है, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आप अच्छे से कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो आता है या एनालिटिकल एबिलिटी जो आता है इससे काफी इजी इजी क्वेश्चन आता है, जैसे डायरेक्शन से रिलेटेड हो गया या फिर आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो गया, इस टाइप के बहुत सारे डाइस के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप लोग इजिली कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसे उठा लीजिए, उठा के सीसेट का पूरा पेपर जो है रीजनिंग का उसको लगा लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, उन पर्टिकुलर केवल आप टॉपिक और उसके नंबर ऑफ टाइप जो क्वेश्चंस जो है उनके कितने टाइप आ रहे एग्जाम में उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन हर साल आता है और काफी ठीक ठाक क्वेश्चन होता है, तो डिसीजन मेकिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो कुछ आपके क्वेश्चन होंगे अभी तक आए हैं सीसेट जब से इंट्रोड्यूस हुआ है यूपीएससी में, वो आप डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन देख लीजिए, प्लस उसका जो भी एक्सप्लेनेशन दिया होगा उसको जरूर आप रीड करिएगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी किस अप्रोच की बात कर रहा है। जब आप कोई भी केस चल रहा है, कोई भी आपके सामने एक मतलब मामला आ जा रहा है, उस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं, एक्चुअली वो आपके अंदर ये देखना चाहता है कि क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकते हैं। कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको 2 डिसीजन में से कोई एक डिसीजन लेना पड़ जाए, तो क्या आप उस सही डिसीजन को लेते हैं, किस तरह से उन चीजों को बैलेंस करते हैं। तो इसके लिए आप केवल उस आंसर को पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा वो किस अप्रोच की बात कर रहा है। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी,
और बेसिक न्यूमेरिसी डेटा इंटरप्रिटेशन। तो मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, डीआई तो बहुत ईजी होता है, बिल्कुल ही आप सोच सकते हैं कि मतलब एसएससी लेवल से भी बहुत नीचे का पूछा जाता है डीआई। तो क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट को भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई काफी पहले क्या था कि एप्टीट्यूड एक तो क्वालिफाइंग नहीं था तो उसके मार्क्स जुड़ जा रहे थे, तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे थे वो इजीली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जा रहे थे। दूसरा ये था कि भाई एप्टीट्यूड वाले जो पोर्शन है आर्ट्स के स्टूडेंट का थोड़ा वीक रह रहा था, तो अच्छे स्टूडेंट जो कि जीएस अच्छा होने के बावजूद प्री में रह जा रहे थे, इसीलिए जो डीआई वगैरह भी वो काफी ठीक ठाक पूछा जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछता है। और इसी तरह मैथ्स में भी पर्टिकुलर आपका टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन्हीं यही कुछ टॉपिक है 5-7 जिनसे बार बार क्वेश्चंस जो है उन्हें रिपीट किया जाता है। हाँ, क्वेश्चन के टाइप चेंज कर दिए जाते हैं और टाइप भी बहुत ज्यादा नहीं है, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का आपको ज्यादा से ज्यादा 4-5 टाइप दिखाई देंगे। तो आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से टाइप जो है हमने एक तरह से बार बार प्रैक्टिस कर लिया, आपका वो रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पेपर 1 पेपर 2 दो एग्जाम होंगे आपके प्रिलिमिनरी में, जो आपका 10th October को कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 1 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, पेपर 2 200 मार्क्स के 80 क्वेश्चन। ठीक है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। जब आप और डिटेल से सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको और प्रिपरेशन में काफी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कहा जाता है यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेगा। मतलब जो भी अगर घूमता हुआ क्वेश्चन पूछता है, बाहर का नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। साथ ही भाई मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ, जितने बच्चे हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कि सर एक बार इन्हें क्रैकर बैच दिखाइएगा। तो ये तो हो गया आपके पर्सनल जो भी कि आप सेल्फ स्टडी करके किस तरह से प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर सकते हैं इन पर्टिकुलर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारी भी गाइडेंस ले सकते हैं, तो आप ज्वाइन करिए यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल, जिसपे रेगुलर बेसिस पे हम क्लासेस दे रहे हैं। फ्री वीडियोस मॉर्निंग 7 AM to 10 PM चलती है, तो आप उसको ज्वाइन करिए, उसका बेनिफिट उठाइए। इसके अलावा 10th October केवल बच्चों अब 3 महीना ही बचा है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो प्रीलिम्स 2021 छोड़ना चाह रहे होंगे, या फिर लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पढ़े, क्या पढ़े, रिवाइज रहे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको किसी ना किसी के गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जाए। कई बार आप डीमोटिवेट होंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिल सके, पुश फैक्टर मिल सके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्रैकर बैच लॉन्च किया है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 2021 का फॉर्म भरा हो, पेपर दे रहे, तो ही ऐसे भी स्टूडेंट जो कि स्टार्ट करना चाह रहे यूपीएससी में, खुद को आजमाना चाह रहे, तो आप इस बैच से जुड़िए। आपको इस 3 महीने में ही आइडिया लग जाएगा कि क्या यूपीएससी का लेवल है, क्योंकि ओवरऑल प्रीलिम्स यहां पर प्रिपेयर कराया जाएगा इस पैटर्न पे कि आपका प्रीलिम्स इस बार का स्टार्ट हो चुका है 14th July से। अगर आप सीएससी प्रीलिम्स 2021 क्रैकर बैच, और ये बैच आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर बैच की पूरी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं बैच की यहाँ पर पूरी डिटेल शो रही है। 14 July 1 PM to 5 PM बैच चल रहा है मंडे टू सैटरडे, डिटेल स्टडी प्लान दिया गया, प्लस टीचर्स के डेमो लेक्चर्स भी दिए गए हैं। 400 आवर्स के आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्लस जो टीचर्स जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं बायलिंगुअल क्लासेस चलेंगे, और साथ ही आपको क्लास के इमीडिएट बाद पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो कोई आपको अलग से नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन्हीं चीजों पर फोकस रखना है। ठीक है, आप देखिए अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा 12,999, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, तो आप अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जाइए, इस ऑफर का फायदा उठाइए। आपको व्यू ऑफर्स पर क्लिक करना है और यहाँ जाकर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपकी ईमेल आईडी वगैरह, आप उसको डालिए और उसके बाद से आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरा कूपन कोड है Y300, जैसे आप Y300 कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट होगा, जैसे अभी 77% डिस्काउंट चल रहा है, वो आपको मिल जाएगा और आपका कंप्लीट क्रैकर बैच 3 महीने का 2,989 यानी कि मात्र 3,000 में आपको पूरा का पूरा बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है प्रीलिम्स का। तो बिल्कुल भी आप इससे जुड़ना मत भूलिएगा। बैच स्टार्ट हुए 2 दिन हो चुके हैं, वो सारी वीडियोज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। तो जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जुड़िए भाई हमारे इस क्रैकर बैच से और इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए। और ऐसे भी स्टूडेंट जो कि सोचते हैं कि हम यूपीएससी करें या ना करें, आपके लिए भी अच्छा मौका है। आप 3 महीने का ही एक कोर्स लीजिए और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आप कहाँ स्टैंड।